शहर में छा गया है जनता ऑटोमोबाइल। जनता ऑटोमोबाइल की सुपर हिट धमाकेदार पेशकश, कोई भी बाइक खरीदिए और 3 गिफ्ट, फ्री हेलमेट, फ्री बाइक कवर, फ्री टिफिन बॉक्स तोहफे में ले जाइए। सुजुकी, यमहा, हीरो, टीवीएस, बजाज, होंडा और वेस्पा जैसे ब्रांडेड गाड़ियों के अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर पर भी ऑफर्स मौजूद है। तो देरी किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए और बुक करवाइए। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। एंटी करप्शन के नाम पर अवाम को ब्लैकमेल करके पैसे लूटने वाले दो अफराद को अत्तापुर पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। नकली एंटी करप्शन के ओहदेदार बनकर एक किराना दुकानदार से 10,000 रुपए का मुतालबा करने वाले दो शातिर मुजरिमों को सैबराबाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक PNT कॉलोनी सन सिटी राजेंद्र नगर के रहने वाले 45 साल मुजाहिद मोहिउद्दीन खादरी और गौस नगर बड़लागुड़ा के रहने वाले 39 साल मोहम्मद अब्दुल रहीम ने प्रशांत नगर शिवरामपल्ली में मौजूद एक किराने की दुकान पर जाकर खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदार बताते हुए किराना दुकान का वीडियो और फोटो खींचने का नाटक किया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए 10,000 रुपए का मुतालबा भी किया था। किराना दुकानदार ने खौफजदा होकर 3,000 रुपए दोनों को दे दिए। इस चीज के बाद बकाया 7,000 रुपए की रकम अदा करने का मुतालबा करते हुए बदमाश मुजाहिद मोहिउद्दीन खादरी दुकानदार को मुसलसिल हरासा कर रहा था, जिसके बाद दोनों बदमाशों की हरासानी से तंग आकर दुकानदार ने अत्तापुर पुलिस स्टेशन में दोनों बदमाशों के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवा दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुजाहिद मोहिउद्दीन खादरी और मोहम्मद अब्दुल रहीम को गिरफ्तार करते हुए जेल मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने इन दोनों के कब्जे से दो मोबाइल फोन, दो मोटरसाइकिल और 5 फेक ID कार्ड्स को भी जब्त कर लिया। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।